भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप 2023 के मैच में आज रिजलो डे के दिन मुकाबला हो रहा है, क्योंकि पहले दिन यहां पर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया था। और जैसे ही यहां पर दूसरे दिन का मैच स्टार्ट हुआ तो केएल राहुल का अर्धशतक देखने को मिला। बात करें केएल राहुल के अर्धशतक के बारे में, तो इन्होंने अपनी पारी में यहाँ पर 50 रन कंप्लीट कर लिए, वो भी मात्र 58 गेंदों में। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि केएल राहुल इंजर्ड थे और पिछले यहाँ पर आईपीएल के बाद उन्होंने कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला था, और आते ही इस तरीके की फॉर्म, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शानदार बैटिंग की है इन्होंने इस मैच में, और पारी के अंतर यहाँ पर निरंतरता भी नजर आ रही है, और इनका नाम है वो वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने राहत की सांस ली है, और इधर केएल राहुल का फॉर्म में आ जाना, तो रोहित एंड कंपनी के लिए हम सबसे बड़ा यहां पर खुशी का मोमेंट कह सकते हैं, वो भी केएल राहुल के बल्ले से इस तरीके की पारी का निकलना। तो इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल लॉन्ग वे क्रिकेट को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।